आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में बिहार में होने वाले आम चुनाव से पहले दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्र में अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए और चुनाव के दिन दोनों देशों की सीमा पहले से सील करने और दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के संबंध में चर्चा की गई। इस रिपोर्ट में देखिए। इस बैठक में नेपाल की ओर से सिरहा के सीडीओ प्रदीप राज पड़ेल, एसपी उमाशंकर पंजियार, सशस्त्र बल के कमांडेंट सहित धनुषा एवं महोत्री जिलों के सीडीओ, एसपी एवं सशस्त्र बल के कमांडेंट उपस्थित हुए एवं भारत की ओर से दरभंगा के क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार, मधुबनी के डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, सभी अनुमंडल पुलिस अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, एसबी के डीआईजी, कमांडेंट सहित मधुबनी जिला के सभी वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। तो इसीलिए बॉर्डर सील और दोनों देशों की तरफ से ज्वाइंट पेट्रोलिंग और विधानसभा निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जितना भी कार्रवाई करना है, इसके लिए आज 2 घंटा तक लगभग डिस्कशन हुआ है। और नेपाल के जो हमारे काउंटर पार्ट्स आए, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि बिहार विधानसभा निष्पक्ष कराने के लिए जो भी जरूरत होगा वो सब वो लोग करने वाले हैं। सीडीओ धनुषा भी हमारे साथ है।